हेस्टर बायोसाइंस ने वित्त वर्ष 2025 के दूसरे तिमाही के नतीजों की घोषणा की, जिसमें कुल आय 74.80 रुपए करोड़ रही, जो पिछले साल की तुलना में 10.6% अधिक है, और कर के बाद लाभ 9.30 रुपए करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 37.65% अधिक है। कार्ट्रेड टेक ने वित्त वर्ष 2025 के दूसरे तिमाही के नतीजों की घोषणा की, जिसमें कुल आय 172.22 रुपए करोड़ रही, जो पिछले साल की तुलना में 26.7% अधिक है, और शुद्ध लाभ 30.72 रुपए करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 509% अधिक है। साइएंट ने अत्याधुनिक ASIC चिप्स बनाने और सेमीकंडक्टर क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अजीमुथ AI में 27.3% हिस्सेदारी हासिल की। VDL सिस्टम लिमिटेड ने मौजूदा ग्राहक से VFD पैनल की आपूर्ति के लिए 7.46 रुपए करोड़ का नया ऑर्डर हासिल किया। इंफोबीन्स ने वित्त वर्ष 2025 के दूसरे तिमाही के नतीजों की घोषणा की, जिसमें कुल आय 102.50 रुपए करोड़ रही, जो पिछले साल की तुलना में 509% अधिक है। 7.77% UVI और 12.66 रुपए करोड़ का कर के बाद लाभ 200% UVI वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। एप्पल ने चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत से $6 बिलियन का आईफोन उत्पादन स्थानांतरित किया। प्रधानमंत्री 12,850 करोड़ की स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीयूष गोयल सऊदी अरब के साथ ऊर्जा और डिजिटल संक्रमण में सहयोग पर चर्चा करेंगे। RBI ने NBFC को पूंजी बाजार से कम 25% उधार बनाए रखने का निर्देश दिया। गोपाल स्नैक्स लिमिटेड ने फ्लैगशिप ब्रांड गोपाल के तहत स्नैक पैलेट श्रेणी में नया उत्पाद पिज्जा पास्ता लॉन्च किया। शिवालिक पावर कंट्रोल लिमिटेड ने कालिंदी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड से 86 लाख रुपए मूल्य के HT पैनल का प्रतिष्ठित ऑर्डर हासिल किया। कौशल्या लॉजिस्टिक्स ने उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ फुल ट्रक लोड परिवहन अनुबंध हासिल किया। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस ने कुल आय 1,922.60 रुपए करोड़ के साथ Q2 FY 2025 के परिणामों की रिपोर्ट की, जो कि UVI और नेट से 23.5% अधिक है। 138.20 रुपए करोड़ का लाभ, 9.24% की वार्षिक वृद्धि। कल्याणी स्टील्स ने Q2 FY 2025 के परिणामों की रिपोर्ट की, जिसमें कुल आय 507 रुपए करोड़ रही, जो कि कोक्यू में 6.8% की वृद्धि है, और शुद्ध लाभ 67.30 रुपए करोड़ रहा, जो कि कोक्यू में 29% की वृद्धि है। मोतीलाल ओसवाल ने Q2 FY 2025 के परिणामों की रिपोर्ट की, जिसमें कुल आय 2,845.98 रुपए करोड़ रही, जो कि 71.9% की वार्षिक वृद्धि है, और कर के बाद लाभ 1,121.80 रुपए करोड़ रहा, जो कि 110% की वार्षिक वृद्धि है। अंबुजा सीमेंट्स ने Q2 FY 2025 के परिणामों की रिपोर्ट की, जिसमें कुल आय 7,890.14 रुपए करोड़ रही, जो कि 0.12% की मामूली गिरावट दर्शाती है, और कर के बाद लाभ 472.89 रुपए करोड़ रहा, जो कि 52% की वार्षिक गिरावट है। अजमेरा रियल्टी की रिपोर्ट वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के परिणाम परिचालन से कुल आय 204.12 रुपए करोड़, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 38.3% अधिक है, तथा शुद्ध लाभ 35.35 रुपए करोड़, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 56% अधिक है। बोइंग वित्तीय स्थिति को मजबूत करने तथा डाउनग्रेड को रोकने के लिए $22 बिलियन तक जुटाएगा। बिटकॉइन जून के बाद पहली बार $70,000 के पार पहुंचा।